तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी को राम राम सा। आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम एक बार फिर से लाइव सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो लाइव सेशन स्टार्ट करते समय आप सभी इस क्लास को एक बार शेयर कर दें। मैं भी अपने जो टेलीग्राम चैनल है ऐप के अंदर स्टूडेंट्स को नोटिफिकेशन इसका सेंड कर रहा हूँ, तो आप सभी भी इसका है इस लिंक को आप वायरल कर दें, सभी ग्रुप्स में भेज दें, सभी के पास में इसको फॉरवर्ड कर दें। आवाज़ का कोई इश्यू आ रहा है तो मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ग्रुप्स में भेज दें, सभी के पास में इसको फॉरवर्ड कर दें। आवाज़ वॉल्यूम एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम अच्छे से वॉल्यूम है आ रही है। तो दोस्तों आज का सेशन बहुत अच्छा सेशन होने वाला है। दोस्तों मैं आप सभी को एक बात बता देना चाहता हूं, अगर आप दिल्ली पुलिस ड्राइवर की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म आपको यहां पर हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। दोस्तों मैं बता देता हूं, हमारा एप्लीकेशन का नाम है स्टडी एट होम। स्टडी एट होम भारत का एकमात्र ऐसा ऐप है जो केवल ड्राइवर भर्ती की तैयारी करवाता है और सबसे बेहतरीन, इसके मुकाबले में अभी तक कोई टीका नहीं है। दोस्तों मैं बता देता हूं, ऑनलाइन कोर्स आपको यहां पर मिलता है, ऑनलाइन कंप्लीट कोर्स हम आपको यहां पर करवाते हैं, जिसमें दोस्तों आपको वीडियो लेक्चर है कंप्लीट सिलेबस के। दोस्तों कंप्लीट सिलेबस के वीडियो मिलते हैं, इनकी पीडीएफ मिल जाती है। दोस्तों हमने ड्राइवर पर दोस्तों हमने 6 बुक लॉन्च कर रखी है, वो 6 बुक आपको यहां पर मिलती है इसके कोर्स के साथ में। डेली टेस्ट आपको यहां पर दोस्तों इसमें मिलते हैं, डेली आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, 25% डेली के आपको दिए जाते हैं और फुल टेस्ट, वीकली फुल टेस्ट आपको दोस्तों यहां पर है हम आपको देते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप केवल ये कोर्स नहीं लेते हैं, दोस्तों आप कोर्स नहीं लेते हैं, दोस्तों अभी ऑफर चल रहा है, मात्र 399 में आपको दोस्तों ये कोर्स है वो आपको मिलता है। दोस्तों अगर कोर्स नहीं लेते हैं तो 99 रुपए में कंप्लीट सिलेबस की जो बुक है दोस्तों आपको यहां पर मिलती है। यहां पर टोटल 86 टॉपिक आपको यहां पर मिलते हैं, कौन कौन से टॉपिक है उसका प्रीव्यू आप इस ऐप के अंदर जाके है वो देख सकते हैं। इस ऐप को डाउनलोड करना है, इसका लिंक आप मुझे इस व्हाट्सएप पर हेलो लिख के भेजोगे तो मैं आपको भेज सकता हूं, टेलीग्राम का लिंक वो भी भेज सकता हूं। टेलीग्राम के बारे में बता देता हूं दोस्तों, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, इसका नाम है दिल्ली पुलिस ड्राइवर स्टडी एट होम के नाम से। इस टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों क्या करते हैं, हम डेली की क्विज अपलोड करते हैं, वो भी कौन सी दोस्तों, डेली फ्री ड्राइवर क्विज। दोस्तों डेली फ्री ड्राइवर क्विज दोस्तों यहां पर हम अपलोड करते हैं। तो दोस्तों आप भी इसको ज्वाइन है दोस्तों कर सकते हैं, क्या दोस्तों इस क्विज को ज्वाइन कर सकते हैं, किस पर दोस्तों, टेलीग्राम चैनल पर क्विज ज्वाइन कर सकते हैं फ्री में। दोस्तों फ्री में दोस्तों इस पर जो फ्री की क्लासें होती है वो भी दोस्तों टेलीग्राम पर डाल दी जाती है, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई भी आपको मैसेज नहीं करता पर्सनली, कोई भी फोन नहीं कर सकता वहां से, आपका डाटा सिक्योर रहता है, आप एकदम आराम से सभी सूचनाओं से अपडेट है वो रह सकते हैं। तो दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन है वो दोस्तों कर सकते हैं। तो दोस्तों आज शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले कोई वॉइस में कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे बता सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन है वो दोस्तों, बिल्कुल। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की एक क्लास। दोस्तों एक कहावत है कि रख हौसला वह मंजर भी आएगा, रख हौसला वह मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर है दोस्तों समंदर भी आएगा, जैसा मैं आया हूं। रख हौसला वह मंजर भी आएगा, रख हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा, रख हिम्मत। क्या आवाज नहीं आ रही? बिल्कुल आवाज एकदम क्लियर आ रही है, क्या आवाज नहीं आ रही? हाँ, रख हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूं थक कर ना बैठो मेरे मुसाफिर, यूं थक कर ना बैठो इस राही के मुसाफिर, दोस्तों जीत भी मिलेगी और जीत के मिलने का दोस्तों मजा भी आएगा, जीत के मिलने का या मंजिल के मिलने का मजा भी आएगा। और हमें मजा जब आएगा जब हम दिल्ली पुलिस में ड्राइवर बनेंगे और ड्राइवर बन के पड़ोसी की छाती पर डीजे बजाएंगे, कहाँ बजाएंगे, पड़ोसी की छाती पर। और दोस्तों आप भी चाहते हैं ड्राइवर बन के दोस्तों पड़ोसी की छाती में डीजे बजाना, पड़ोसी की खोपड़ी में छेद करना या पेपर की खोपड़ी में छेद करना, तो दोस्तों आप स्टडी एट होम से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों इसके साथ में क्या आपका भी सपना है ड्राइवर बनना, आपका भी सपना है दोस्तों आपके सरकारी जॉब को प्राप्त करना, तो तुरंत प्रभाव से इसके साथ में जुड़कर मात्र 399 में कंप्लीट कोर्स है दोस्तों आपको ज्वाइन करना है और आपकी तैयारी एकदम हर्षो हवा से खुशी के साथ में कंप्लीट करवाएंगे और आप एक खुशी के साथ में पेपर देने
लेने के लिए जाओगे और एकदम पेपर को धुआं धुआं करके दोस्तों वहां पे आओगे। क्या आप भी करना चाहते हैं पेपर को धुआं धुआं, तो तुरंत आके इस पे आप स्टडी एट होम पे जुड़ जाए, ऑनलाइन कोर्स ले लें मात्र 399 दोस्तों। कोई भी तैयारी करते हैं इतने तो आप क्या है चाय पी जाते हैं, इतने की दोस्तों आप एक किताब खरीदते हैं तो भी लग जाते हैं, तो क्यों ना आप एक अच्छी चीज लें और तुरंत प्रभाव से इस कोर्स को ज्वाइन करें, स्टडी एट होम को डाउनलोड करें, उसके अंदर जाओगे तो कोर्स मिल जाएगा, तो तुरंत ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का सेशन, कोर्स को ज्वाइन करें। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आप पढ़ें और इसका जवाब है कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। प्रश्न संख्या 71, मोटर वाहन की धारा के संबंध में गलत कथन। मोटर वाहन की धाराओं के संबंध में धारा 134 किसी दुर्घटना के मामले में ड्राइवर के कर्तव्य, धारा 122 वाहन को खतरनाक जगह पर छोड़ना, 134 ए नेक व्यक्ति जो अवार्ड के लिए किसी पीड़ित व्यक्ति की सहायता करता है, धारा 12 ए गोल्डन ओवर का या स्वर्णिम घंटे का नियम यहां पर यह बताया गया। तो आपको यह बताना है कि इनमें से गलत कथन कौन सा है, गलत कथन दोस्तों कौन सा है। यहां पर दोस्तों एक गलती मैंने भी कर दी है, मैं बता देता हूं, धारा यहां पर 12 ए नहीं है, धारा 2 की 12 ए इसको पढ़ना है दोस्तों आपको, धारा 2 की 12 ए पढ़ना है, धारा 2 की 12 ए पढ़ना है। अब इसका कमेंट सेक्शन में जवाब बताएं क्या होगा, सभी इसका जवाब है मुझे बताएंगे कि भाई इसका सही जवाब है वो क्या होने वाला है। दोस्तों यहां पर 12 ए की जगह धारा 2 की 12 ए पढ़ना है, तो ऑप्शन ए बी सी डी में से आप कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे इसका जवाब है वो क्या होने वाला है। तो दोस्तों आप सभी के जवाब है वो आ रहे हैं, मनीष जी सी, बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं दोस्तों आप सभी। सही जवाब देने का प्रयास करें, सोच समझ के अच्छे से प्रश्न को पढ़ के दोस्तों इसका जवाब है वो दें। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, चलो मैं हम शुरू करते हैं इसकी व्याख्या। तो दोस्तों धारा 134, धारा 134 क्या कहती है, ड्राइवर के कर्तव्यों के बारे में बताती है, क्या बताती है, ड्राइवर के कर्तव्य, बिल्कुल दोस्तों सही बात है। धारा 122 खतरनाक जगह पर गाड़ी को छोड़ना या पार्क करना, खतरनाक स्थिति में गाड़ी को पार्क करना, क्या धारा 122 दोस्तों बिल्कुल सही बात है। धारा 134 ए नेक व्यक्ति जिसे हम दोस्तों अच्छा सामरी भी बोलते हैं, दोस्तों अच्छा सामरी और गुड सिमेरिटन भी दोस्तों इसे हम बोलते हैं, तो दोस्तों जो अवार्ड के लिए पीड़ित व्यक्ति की सहायता करता है, दोस्तों अवार्ड के लिए नहीं करता, यह बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है दोस्तों, यही इसका जवाब है, सही हो जाएगा। यानी कि गलत पूछा है, गलत कौन सा है, यह आपका धारा 134 ए अवार्ड के लिए नहीं दोस्तों, बिना अवार्ड के लिए इंसानियत के नाते सहायता करता है, लेकिन यहां पर अवार्ड लिख दिया तो यह गलत हो जाएगा। यहां पर धारा 2 की 12 ए गोल्डन और ये स्वर्णिम घंटे के बारे में बताती है, बिल्कुल सही बात है, किसी घटना के तुरंत बाद का एक घंटे का समय है वो उस घायल व्यक्ति के जीवन के लिए सबसे अच्छा समय होता है, सबसे नाजुक समय होता है। यहां पर दोस्तों सबसे नाजुक शब्द आ जाए, सबसे खतरनाक आ जाए, तो दोस्तों ये नाजुक होता है, खतरनाक नहीं होता, खतरनाक नहीं होता, सबसे नाजुक समय होता है, यह भी आपको ध्यान रखना है, कौन सा दोस्तों, ये गोल्डन हो रहा है, ये नाजुक होता है न कि खतरनाक, तो यह बात भी आपको ध्यान में रखनी है। मैं बात करता हूं यहां पर धारा 34 ए के बारे में, नेक व्यक्ति के बारे में, दोस्तों नेक व्यक्ति वो होता है जो किसी घायल व्यक्ति की, किसी पीड़ित व्यक्ति की, किसी बीमार व्यक्ति की, किसी असक्षम व्यक्ति की, जो कोई काम करने में सक्षम नहीं है, पीड़ित व्यक्ति है, बीमार है, असक्षम है, तीनों कैटेगरी के जो लोग हैं तीनों की सहायता कर सकता है, अस्पताल पहुंचा सकता है और दोस्तों इनाम प्राप्त कर सकता है, लेकिन वो इनाम के लिए सहायता नहीं करता, इनाम गवर्नमेंट अपने आप देती है, तो ये इनाम के लिए काम करता है, ये गलत हो गया, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बाकी दोस्तों यहां पर मैं बता देना चाहता हूं, धारा आपके 122 खतरनाक स्थिति में वाहन को पार करना या खड़ा करना, लेकिन दोस्तों यहां पर धारा 126 भी है, यह कहती है खड़े वाहन, क्या कहती है दोस्तों, खड़े वाहन, यानी कि आप अपने वाहन को सही ढंग से खड़ा है वो करेंगे, यानी कि आप अपने वाहन में हैंड ब्रेक लगाकर गाड़ी खड़ी करेंगे, गाड़ी का इंजन बंद करके गाड़ी खड़ी करेंगे, गाड़ी की फाटक बंद करके गाड़ी खड़ी करेंगे, गाड़ी को एकदम समतल जगह पर गियर में या हैंड ब्रेक लगाकर करेंगे, रात में अगर खड़ी की है तो पार्किंग लाइट ऑन करेंगे, ये चीजें होती है आपकी धारा 126 में। खड़े वाहन, आपको खड़ा वाहन कैसे करना है, एक तो ये होगी धारा 126। धारा 122 होती है आप गलत जगह पार कर देते हैं, गलत स्थिति में, खतरनाक स्थिति में वाहन को पार्क है वो कर देते हैं, तो ये होता है यहां पर धारा 122 में। धारा 134 में दोस्तों क्या है, धारा 119 में, दोनों में अंतर बता देता हूं मैं दोस्तों, धारा 119 ड्राइवर के कर्तव्य, कौन से कर्तव्य, जो धारा 116 में यातायात के संकेत नियम दिए गए हैं उनका पालन करना ड्राइवर का कर्तव्य होगा। धारा 134 कोई दुर्घटना
दुर्घटना हो जाती है तो दोस्तों एक जो ड्राइवर होता है उसकी क्या मतलब कि इंसानियत होने के नाते, ड्राइवर होने के नाते आपका क्या कर्तव्य है, घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाना, पुलिस स्टेशन में सूचना देना, घायल या किसी दुर्घटना में संलिप्त वाहन को खड़ा करना, ले जाना नहीं है पुलिस की इजाजत के बगैर। तो दोस्तों ये धारा 134 कहती है किसी दुर्घटना के मामले में ड्राइवर के कर्तव्य, धारा 119, धारा 116 के नियमों में जो बताया गया है उनका कर्तव्य, उनका पालन करना कर्तव्य होगा। हाँ, तो अगले प्रश्न पे मैं चलता हूं दोस्तों। यहां पे इस प्रश्न का जवाब मैंने काफी अच्छे से समझा दिया है आपको। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं, प्रश्न संख्या हमारा 72 है। टायरों में कटी ट्रेड डिजाइन का क्या उद्देश्य होता है, टायरों में कटी ट्रेड डिजाइन का दोस्तों क्या उद्देश्य होता है, सभी कमेंट सेक्शन में जवाब छाप दें क्या सही होगा। टायरों में कटी ट्रेड डिजाइन का उद्देश्य क्या होता है, टायरों की आयु बढ़ाना, टायर की आवाज को कम करना, घर्षण बढ़ाना, कुशन क्रिया बढ़ाना, घर्षण को कम करना, इसका जवाब क्या होगा कमेंट सेक्शन में छाप दें। घर्षण बढ़ाना, कुशन क्रिया बढ़ाना। तो दोस्तों मैं बता देता हूं, टायर में कटी ट्रेड डिजाइन, ट्रेड डिजाइन क्या होता है, टायर के ऊपरले भाग पर दोस्तों यहां पर जो धारियां बनी होती है उन्हें दोस्तों ट्रेड कहा जाता है। अब कुछ स्टूडेंट्स तो ये कहते हैं कि भाई यहां पे एक तो दोस्तों यहां होता है जैसे अंगुलियां है, माना कि टायर है। अब दोस्तों ये तो इसके बीच में जो ये लकीर है, ये लकीरें ट्रेड है या जो उभरा हुआ भाग है ये ट्रेड है। तो दोस्तों मैं बता देता हूं, टायर के जो उभरे हुए भाग होते हैं ये ब्लॉक कहलाते हैं, रबड़ के गुटके से होते हैं ये, तो ब्लॉक होता है। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, यहां पे जैसे माना कि ये टायर है तो यहां पर इसका इस प्रकार की दोस्तों यहां पर डिजाइन है तो इसमें खड्डे से बने होंगे, खड्डे से बने होंगे, ये होती है दोस्तों ट्रेड या थ्रेड कह सकते हैं, थ्रेड भी कह सकते हैं। लेकिन जो उभरे हुए भाग होते हैं ये गुटके होते हैं, यहां पे यहां देखो ये है, अब ये जो गुटका है ये गुटका ये दोस्तों क्या होता है, ये ब्लॉक कहलाता है। तो आपको यहां पर बताने जो ट्रेड डिजाइन होती है इसके ऊपर जो रबड़ होता है उसको खोद कर ऐसे वहां पर जो डिजाइन बनी होती है उसका काम क्या होता है। तो दोस्तों इसका काम होता है टायर की आवाज को कम करना और घर्षण को बढ़ाना। अब आप कहोगे सर घर्षण को बढ़ाना, बिल्कुल दोस्तों, टायर को किस उद्देश्य के लिए बनाया जाता है, सड़क पर घर्षण करने के लिए, न कि घर्षण कम करना। गलत मत देना जवाब दोस्तों, घर्षण को बढ़ाना इस ट्रेड का दोस्तों क्या होता है, काम होता है। ट्रेड को आप थ्रेड भी कह सकते हैं, कंफ्यूज आपको नहीं होना है। यहां पर कुशन क्रिया बढ़ाना, कुशन क्रिया बढ़ाने का काम तो शोल्डर होते हैं, शोल्डर का होता है, जो साइड की दीवारें होती हैं टायर की, वो साइड की दीवारें लचीली होती है, इन्हें शोल्डर कहा जाता है। और ये दोस्तों लचीली ऐसे करती है, ये करती है तकिए का खासा काम, यानी कि गाड़ी को क्या है ऐसे करती है तो गाड़ी के झटके, सॉरी रोड के झटके गाड़ी तक नहीं जाते, केवल टायर तक रह जाते हैं। ये होते साइड की जो दीवारें होती है वो ऐसे करती रहती है, ठीक है। तो ये होता है कुशन, कुशन यानी तकिए का काम करना, घर्षण को कम करना, ये तो गलत हो जाएगा। यानी कि ट्रेड डिजाइन का उद्देश्य क्या होता है, आवाज को कम करना। दोस्तों आप सभी को पता है ये सड़क है, सड़क पर हवा है, पानी भी है, ध्वनि भी है। टायर चलेगा तो इसको दबाएगा, दबाने से क्या हवा या जो आपके पानी जो भी है वो इसके अंदर छिप गई है, दब गई है, तो वो कहाँ जाएगी, वो बहुत तेज आवाज करेगी। लेकिन अगर ये ट्रेड कटी हुई है तो इस ट्रेड के अंदर से दोस्तों वो धीरे से निकल जाएगी, हवा फुस हो जाएगी साइड में, यानी कि आवाज नहीं करेगी। तो ये दोस्तों यही कारण होता है कि टायर आसानी से तेज गति से चल सकता है, किसके कारण, इसी ट्रेड के कारण। तो इसका प्रश्न का जवाब आपको मिल गया होगा। अगले प्रश्न पे दोस्तों हम चलते हैं, प्रश्न संख्या आपका 73, प्रश्न संख्या 73 है। एक परमिट जो अस्थाई परमिट और विशेष परमिट के अलावा हो कि अवधि होगी, आपको बताना है परमिट के बारे में कि एक परमिट है जो कि दोस्तों क्या नहीं है, एक अस्थाई परमिट नहीं है और एक विशेष परमिट भी नहीं है, तो उस परमिट की अवधि क्या होगी आपको यह बताना है। इस अवधि के बारे में बहुत अच्छा प्रश्न आपको पूछा जाता है, सामान्य परमिट, इन तीनों की अवधि आपको यहाँ पर बतानी है। देखिए कौन कौन इसका बता सकता है, अधिकतम 4 माह है, अधिकतम 12 माह है, 2 वर्ष, 5 वर्ष, इसका जवाब क्या होगा कमेंट सेक्शन में सभी बताएंगे, मजा आएगा दोस्तों इस क्लास में। परमिट के बारे में किसी ने नहीं पढ़ाया, अस्थाई परमिट किसी ने पढ़ाया, विशेष परमिट किसी ने नहीं पढ़ाया, लेकिन राज सर ने पढ़ा दिया है परमिट की क्लास, क्लास संख्या 41 कोर्स के अंदर जाके देख सकते हैं आप। तो मैं बता देता हूं परमिट के बारे में यहां पर दोस्तों आपको कई चीजें जो है आपको ध्यान में रखनी है, अब वो कौन कौन सी है मैं आपको बता देता हूं। वॉल्यूम में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं, वॉल्यूम में कोई दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हैं, देखते हैं, देखें कोई आवाज, वॉल्यूम में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं, वॉल्यूम में कोई दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हैं, देखते हैं, देखें कोई आवाज,
कोई दिक्कत नहीं है, आवाज एकदम क्लियर आ रही है दोस्तों। हाँ, तो परमिट के बारे में मैं आपको बता रहा था। सबसे पहले मैं मोटर व्हीकल एक्ट की बात कर लेता हूँ। जो मोटर व्हीकल एक्ट है दोस्तों, यहाँ पर धारा 66 है, वो ये कहती है आपके पास में परमिट है वो दोस्तों होना चाहिए। धारा 87 दोस्तों, धारा यहाँ पर 87 है अस्थायी परमिट की, धारा 88 है दोस्तों विशेष परमिट की, और दोस्तों यहाँ पर सामान्य और एक अस्थायी और विशेष, ये तीन परमिट तो ये हो गए। एक मैं बात कर लेता हूँ नेशनल परमिट, यानी कि राष्ट्रीय परमिट की भी मैं बात कर लेता हूँ। तो आपको इन सब के बारे में अभी मैं इस को धुआं धुआं करने वाला हूं। अस्थाई परमिट की बात करें तो इसकी अवधि होती है मिनिमम कम से कम 1 माह के लिए जारी होगा, अधिकतम 4 माह के लिए, और विशेष परमिट है वो 4 से लेकर 12 माह तक जारी होगा। सामान्य परमिट जो कि न तो अस्थाई है न विशेष है, वो दोस्तों यहां पर 5 साल के लिए जारी होगा। हर साल आपको इसको रिन्यू करवाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रिन्यू करवाना पड़ेगा। अब दोस्तों एक होता है नेशनल परमिट। क्या होता है? नेशनल परमिट होता है। इस नेशनल परमिट के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं। यह दोस्तों नेशनल परमिट कहां वैलिड होता है? नेशनल का मतलब होता है राष्ट्रीय परमिट, राष्ट्रीय यानी भारत में लागू होता है, लेकिन ये भारत में नहीं होता, आपको याद रखना है। यहां पर गृह राज्य प्लस 3 राज्य और पड़ोसी राज्य होंगे, वो दोस्तों यहां पर आपके ये लागू रहता। कौन सा? ये नेशनल परमिट। नेशनल परमिट केवल 4 राज्यों में, कौन कौन से? एक तो गृह राज्य और 3 अन्य राज्यों में दोस्तों यहां पर वैलिड रहता है। तो अगले प्रश्न पे मैं चलता हूं, प्रश्न संख्या 74। वाहन इंजन के संबंध में गलत कथन आपको बताना है। वाहन इंजन के संबंध में जो गलत कथन है कमेंट सेक्शन में तुरंत छाप दें। वाहन इंजन के संबंध में गलत कथन, पिस्टन सिलेंडर बोर के अंदर वृत्तीय गति करता है, पिस्टन पर आई होल में रिस्ट पिन का उपयोग किया जाता है, सीआई इंजन केवल हवा का कंप्रेशन होता है, सीआई इंजन कास्ट आयरन के और मजबूत बने होते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न, पिस्टन सिलेंडर बोर में अंदर वृत्तीय, वृत्ति का मतलब होता है गोल। दोस्तों पिस्टन गोल मतलब कि आपके गति नहीं करता, वो तो केवल ऊपर नीचे करता है, मतलब कि गलत पूछा है तो यही गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहला ही ऑप्शन गलत हो गया। पिस्टन के आई होल में रिस्ट पिन का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, इस रिस्ट पिन को गजन पिन बोलते हैं, पिस्टन पिन बोलते हैं, और दोस्तों इसको आपके गजन पिन, रिस्ट पिस्टन पिन और रिस्ट पिन, ये तीनों नाम इसके होते हैं। और दोस्तों कहाँ लगी होती है? ये आपका पिस्टन हो गया, यहाँ पर एक होल होता है, यहाँ पर कनेक्टिंग रोड होता है, और यहाँ पर क्रैंक शाफ्ट होती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये क्रैंक, ये आपकी जो कनेक्टिंग रोड है दोस्तों, कनेक्टिंग रोड को इस पिस्टन के साथ में दोस्तों जोड़ने का काम करती है। कौन दोस्तों? ये रिस्ट पिन है, इन दोनों को जोड़ने का काम करती है। सीआई इंजन में केवल हवा का कंप्रेशन होता है। सीआई का मतलब है कंप्रेशन इग्निशन, यानी कि जो संपीड़न के सिद्धांत पे काम करता है। सीधा सा मतलब है डीजल इंजन, और डीजल इंजन में दोस्तों कंप्रेशन किसका होता है? हवा का होता है, क्योंकि सबसे पहले हवा आएगी, उसको दबाया जाएगा, फिर उस पर डीजल डाला जाएगा जिससे जल जाएगी और पिस्टन गति कर जाएगा। नंबर 4 दोस्तों ऑप्शन है, सीआई इंजन कास्ट आयरन के और मजबूत बने होते हैं। दोस्तों बिल्कुल, जो इंजन कंप्रेशन के सिद्धांत पे काम करेगा वो दोस्तों किसका बना होता है? कास्ट आयरन का, क्योंकि कास्ट आयरन मजबूत होता है, लेकिन जो पेट्रोल इंजन होते हैं उनको इतना मजबूत बनाने की आवश्यकता नहीं होती। क्योंकि मजबूत बनाने की आवश्यकता क्यों नहीं है? क्योंकि वो दोस्तों कंप्रेशन के सिद्धांत पे नहीं, स्पार्क एसआई इंजन स्पार्किंग के सिद्धांत पे काम करती है, इसलिए दोस्तों उनको ज्यादा मजबूत बनाने की आवश्यकता नहीं होती। बात आ जाए पेट्रोल इंजन की तो एल्यूमिनियम और कास्ट आयरन का मिश्रण से बनता है, बात आ जाए डीजल की तो दोस्तों कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं। अगले प्रश्न पे मैं बात करता हूं, प्रश्न संख्या हमारा 75। बताएं देखिए सभी कमेंट सेक्शन में इसका जवाब बताएंगे क्या है। प्रश्न संख्या यहां पे आपका आ गया है 75। 4 स्ट्रोक इंजन के कार्य करने के सिद्धांत से संबंधित सही कथन कौन सा नहीं है? गलत कथन बताना है। पेट्रोल इंजन में पहले स्ट्रोक में हवा और पेट्रोल का कंप्रेशन होता है, पहले स्ट्रोक में कंप्रेशन होता है, ध्यान से। डीजल इंजन में पहले स्ट्रोक में केवल हवा आती है, ठीक है, डीजल हवा। पेट्रोल इंजन में पावर स्ट्रोक में स्पार्क प्लग अपना काम करता है, किसमें? पेट्रोल में पावर स्ट्रोक में स्पार्क काम करता है, ठीक है। डीजल इंजन में पावर स्ट्रोक में डीजल फ्यूल इंजेक्ट होता है, ये भी दोस्तों सही है, ये सही है। लेकिन ये पहला कथन है दोस्तों, ये सही नहीं बैठ रहा, क्योंकि दोस्तों पेट्रोल इंजन में पहले स्ट्रोक में हवा पेट्रोल तो होती है, लेकिन केवल अंदर आती है, कंप्रेशन उसका दूसरे स्ट्रोक में होता है, नहीं कि दोस्तों पहले स्ट्रोक में, इसीलिए दोस्तों ये क्या हो जाएगा, इस कथन, ये गलत कथन
है और गलत ही दोस्तों यहां पर है, वो पूछा है कि कौन सा सही नहीं है। तो ये स्ट्रोक के संबंध में है दोस्तों, मैं बता देता हूं। डीजल जो पेट्रोल इंजन होता है, पेट्रोल इंजन में चार जो स्ट्रोक होते हैं, पहले में हवा पेट्रोल अंदर आएगी, दूसरे में उसमें कंप्रेशन होगा, लेकिन यहां बता दिया कि पहले स्ट्रोक में कंप्रेशन होता है, ये दूसरे में होता है, तीसरे में दोस्तों स्पार्क प्लग है वो चिंगारी छोड़ेगा आग की, आग से खेलेगी, और चौथे में दोस्तों ये जो जली हुई गैसें हैं वो बाहर निकल जाएगी। डीजल इंजन की बात करता हूं, पहले में केवल हवा अंदर आएगी, दूसरे में हवा को दबाया जाएगा, गर्म हो जाएगी हवा, तीसरे में दोस्तों फ्यूल इंजेक्टर के नोजल के माध्यम से डीजल का स्प्रे होगा और डीजल जल जाएगा। किसके सिद्धांत पे? कंप्रेशन या संपीड़न के सिद्धांत पे दोस्तों हो जाएगा। अगले प्रश्न पे मैं चलता हूं दोस्तों, प्रश्न संख्या 76। पेट्रोल इंजन के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत इसके अंदर प्रयोग किया जाने वाला खालिस्तान होता है। आपको बताना है कि जो डीजल पेट्रोल होता है इसमें दोस्तों इसके अंदर कौन सा पदार्थ काम में लिया जाता है जिस कारण से ये प्रदूषण बढ़ाता है। पेट्रोल इंजन के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत इसके अंदर प्रयोग किया जाने वाला खालिस्तान होता है नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, लेड ऑक्साइड। बाकी दोस्तों इसमें तीन तो ऐसे हैं जो इसके प्रदूषण करते हैं, लेकिन एक ऐसा पदार्थ है जो कि पेट्रोल का जो होता है, पेट्रोलियम जो होता है उसके अंदर दोस्तों इसको मिलाया जाता है ताकि जो आपका पेट्रोल है वो आसानी से क्या हो जाए, जल जाए। पेट्रोल को आसानी से जलने के लिए दोस्तों यहां पर इसके अंदर क्या मिलाते हैं दोस्तों ये बताना है। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप बताओगे इसका जवाब क्या होगा। तो दोस्तों मैं बता देता हूं, ज्यादा टाइम हमारे पास में नहीं है, आज की क्लास हमें जल्दी एंड करनी पड़ेगी। तो दोस्तों लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड का प्रयोग दोस्तों किसमें किया जाता है? पेट्रोल के अंदर किया जाता है, मिलाया जाता है ताकि दोस्तों जो पेट्रोल है वो आसानी से जल सके। क्या हो सके दोस्तों? आसानी से जल सके, इसके लिए पेट्रोल में लेड ऑक्साइड मिलाया जाता है। लेड ऑक्साइड जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा प्रदूषण कम होगा। और दोस्तों जो BS जो मानक होते हैं इसमें दोस्तों लेड ऑक्साइड की मात्रा को क्या किया जाता है? घटाया जाता है ताकि पेट्रोल से क्या है दोस्तों वहां पर प्रदूषण कम हो। अगले प्रश्न पे मैं चलता हूं, प्रश्न संख्या 77। आपने अपना LMV लाइसेंस है वो आपने बनवाया था, सॉरी आपने अपना LMV लाइसेंस 2019 में बनाया और 2000 HMV 2021 में बनवाया, तो लाइसेंस के संबंध में सही कथन नहीं है। आपने 2019 में तो LMV बनाया, 2021 में HMV बनाया, तो लाइसेंस के संबंध में सही कथन नहीं है, गलत बताना है। 2021 में HMV के समय लाइट लाइसेंस 1 वर्ष का अनुभव मांगा गया था। बिल्कुल सही बात है, जब आप LMV से HMV बनाते हैं तो आपके पास में दोस्तों क्या होना चाहिए? आपके पास में LMV होना चाहिए। 2019 में मैंने लर्निंग लाइसेंस बनवाया था, यह भी सही है। 2021 में मुझे लर्निंग लाइसेंस की आवश्यकता नहीं पड़ी। दोस्तों जब आप HMV बनाते हैं तो क्या आप HMV बनाएंगे तो HMV का लर्निंग लाइसेंस चाहिए या नहीं चाहिए, यह बताना है आपको कमेंट सेक्शन में। 2021 में मुझे मेडिकल सर्टिफिकेट डॉक्टर से बनवा कर देना पड़ा था, क्योंकि आपने 2021 में क्या बनाया था? HMV बनाया था, तो बिल्कुल दोस्तों आपको यहाँ पर मेडिकल सर्टिफिकेट की है वो आवश्यकता पड़ी थी। दोस्तों इसमें भी आप कह सकते हैं कि बिल्कुल इसकी आवश्यकता पड़ी थी, आपको इसमें क्या करना है दोस्तों? यस करना है। तो गलत कौन सा हो जाएगा? मुझे लर्निंग लाइसेंस की आवश्यकता नहीं पड़ी कब? 2021 में, जब मैंने क्या बनाया था? मैंने HMV बनाया था। तो दोस्तों ये गलत है, जब आप LMV बना लेते हैं उसके बाद में जब HMV बनाते हैं तो आपको लर्निंग लाइसेंस है वो HMV का भी बनाना पड़ेगा, ये बात आपको नोट कर लेनी है। इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? 2021 में मुझे लर्निंग लाइसेंस की आवश्यकता नहीं पड़ी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है दोस्तों, हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, हो जाएगा। अगले प्रश्न पे मैं चलता हूं, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों ये। मोटर कार के लिए लाइसेंस बनाने हेतु माता पिता की सहमति या बिना सहमति के लिए आवेदन हेतु कम से कम आवेदक की उम्र क्या होनी चाहिए? अब दोस्तों पूछा क्या है? मोटर कार, लेकिन पूछा साथ में लाइसेंस बनाने हेतु माता पिता की सहमति या बिना सहमति के लिए आवेदन हेतु कम से कम आवेदक की उम्र कितनी होगी? मोटर कार के लिए, ध्यान रखना, मोटर कार के लिए, मोटर कार के लिए कितनी उम्र होती है कमेंट सेक्शन में सभी बताएं। दोस्तों सभी को पता है 50 cc से कम का वाहन है आपके, अगर दोस्तों मोटर कार है, मोटर कार, निजी कार, निजी सेवा वाहन, निजी सेवा वाहन, वाणिज्यिक वाहन, वाणिज्यिक वाहन हो गया, परिवहन वाहन हो गया, तो ये सारे के सारे आपको बता देना है पब्लिक
पब्लिक प्लेस पर जो काम गाड़ियां आती है, पब्लिक प्लेस पर जो गाड़ियां काम आती है दोस्तों, वो आपको आ गई। तो आपको यहां पर ये सारे के सारे बताने हैं। 50 cc से 16 हो गया, मोटर कार के लिए दोस्तों 18 हो गया, निजी कार के लिए 18 हो गया, निजी सेवा वाहन के लिए दोस्तों 20 हो गया, और आपके वाणिज्यिक वाहन के लिए 20 हो गया, पब्लिक प्लेस का या परिवहन का जाइए तो इनके लिए भी 20 हो जाता है। तो आपको बताना है मोटर कार के लिए 18 साल है, हो जाएगा प्रश्न संख्या 78 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। किसी का कोई डाउट है तो बता सकता है। आज का सेशन यही एंड करेंगे, फिर से मिलेंगे कल के सेशन में इससे आगे के जो क्वेश्चन है उनको हल करने के लिए, फिर से बंडा फोड़ करने के लिए। तो दोस्तों अभी तक आपने स्टडी एट होम का कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। कोई भी समस्या किसी भी प्रकार की आपको अगर फेस हो रही है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री में दोस्तों यहां पर आपको PDF मिलती है, फ्री में दोस्तों क्विज मिलती है, और दोस्तों फ्री में सूचना आपको सबसे पहले यहां पर मिलती है। इस टेलीग्राम का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों स्टडी एट होम हमारा मोबाइल ऐप जहां पर ऑनलाइन कोर्स हम करवाते हैं, कंप्लीट सिलेबस हम करवाते हैं, मात्र का शुल्क है 399। कंप्लीट सिलेबस, फुल थ्योरी पढ़ाएंगे, टेक्निकल थ्योरी पढ़ाएंगे वाहन के संबंध में, ड्राइविंग स्किल पढ़ाएंगे, सारे संकेत पढ़ाएंगे, सारे नियम पढ़ाएंगे, मोटर व्हीकल एक्ट पढ़ाएंगे, सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ाएंगे, वन लाइनर क्वेश्चन आपको देंगे, सब कुछ करके पुरानी भर्तियों के पेपर है वो भी सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।